आज का रात्रि क्लास है 8 मार्च 1968। जो अपने देवी देवता धर्म के होंगे वो तो आज आ जाएंगे, अपने देवी देवता धर्म के होंगे वो आ जाएंगे, और पराए देवी देवता धर्म के होंगे तो अपने देवी देवता धर्म कौन और पराए देवी देवता धर्म कौन है? अपने देवी देवता धर्म के वो जो आज से अंत तक अपने हो करके रहेंगे, बाप के बन करके रहेंगे, और पराए देवी देवता धर्म के वो जिनको रावण चंबे में ले लेता है, अपनी ओर कन्वर्ट कर लेता है, आज बाप के बनेंगे और कल फाइनल पेपर होंगे तो धोखा दे जाएंगे। तो उनको कहेंगे आ जाएंगे, आ तो जाएंगे, लेकिन फिर लास्ट में क्या होगा, चले भी जाएंगे। ड्रामा प्लान अनुसार ये ईश्वरीय मिशन चल रही है। जैसे उनकी मिशन है, किनकी, पराए देवी देवता धर्म वालों की, जो कम जन्म लेते हैं, कम कलाएं बनती हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, द्वापर युग से भारतवासियों को टोटल धोखा दे जाते हैं, उनकी भी मिशन है। जैसे क्रिश्चियंस की मिशन है क्रिश्चियन बनाना, क्या बनावेंगे, क्रिश्चियन बनावेंगे, माना किसका फॉलोअर बनावेंगे, क्राइस्ट का फॉलोअर बनावेंगे। जो मूल आदि देवी है और मूल आदि देव है उसका फॉलोअर आखिरी नहीं बनावेंगे। जो क्रिश्चियन बनते हैं माना अपने धर्म के पक्के क्रिश्चियन नहीं है, जो क्रिश्चियन बनते हैं का मतलब क्या हुआ, कन्वर्ट होने वाले जो क्रिश्चियन बनते हैं उनको क्रिश्चियन डायनेस्टी से सुख मिलता है। क्या, जिसे डायनेस्टी में कन्वर्ट होने वाले हैं वहां से ही उनको असली सुख मिलता है, वेतन अच्छा मिलता है, वहां डबल वेतन मिलता है, तो क्यों नहीं जावेंगे है? यहां 50 तो विलायत में 1500, इसलिए क्रिश्चियन बहुत बन गए हैं।
भारतवासी इतना नहीं दे सकते हैं। क्रिश्चियन तो बहुत है ना, लाइन बनी हुई है। उनकी लाइन में बीच में कोई रिश्वत न लेवे तो उनको नौकरी से ही जवाब दे देवे। माना रिश्वत लेने वाले पक्के देवता धर्म के हैं या कन्वर्ट होने वाले विदेशी धर्मों के हैं? कोई बाबा से पूछते हैं, हमारी लाइन में सब रिश्वत लेने वालों की लाइन है, इस हालत में हम क्या करें? बाबा से कोई पूछते, बाबा से पूछते हैं तो बाबा से किस लिए पूछते हैं? अंदर आशा। इसलिए बाबा से पूछते हैं, इसका मतलब उनको दिल खाती है, तो बाबा से पूछते हैं। फॉलो करने के लिए कि जैसा बाबा कहेंगे वैसा करेंगे, परंतु बाबा जानते हैं कि ये सनातन सत्य धर्म के अगर पक्के हो तो पूछेंगे, पूछने की भी दरकार है नहीं? मम्मी फोन लो। इसलिए बाबा कहेंगे तुम पूछते हो तो तुम भी करो, पूछने का मतलब इच्छा है, इच्छा है तब तो पूछते हैं। फिर कह देते हैं सब रिश्वत लेने वालों की लाइन है तो तुम भी भल करो, फिर शुभ कार्य में लगा देना। माना जिस लाइन के सब हैं वैसी ही लाइन में चलो, लेकिन फिर क्या टाट क्या बताते कि तुम जितना उस लाइन में नीचे ऊपर करेंगे उतना शुभ कार्य में लगा देना। जैसे एक मुसलमान का मिसाल देते हैं, उस मुसलमान ने चोरी की थी, बोला हमने मस्जिद में लगा दिया, क्या चोरी तो की, क्योंकि उसी की लाइन में भी सब चोरी करने वाले थे। अगर वो चोरी न करे तो सब उसके पीछे पड़ जाते, तो वो भी चोरी कर ली, लेकिन कहाँ लगाई दिया? जो भी चोरी से मिला वो मस्जिद में लगाई दिया। अभी जो चाहो सो करो,
उसने तो मस्जिद में लगाई दिया, तो जज ने उसे छोड़ दिया। जज के पास केस गया, जज ने देखा इसने जो कमाई की बेसी, उसे धर्म के कार्य में लगाई दिया। अगर जज छोड़ता नहीं तो उस धर्म के फॉलोअर्स मुसलमान लोग उस जज से भी बिगड़ पड़े। क्योंकि उसने खुदा के लिए बनाया, इसके लिए तुमने सजा दे दी। मुसलमान लोग तो बिगड़ेंगे ना। वो तो वही सिर्फ मुसलमानों की बात, मुसलमान जमात की बात, यहां तो सब है बंदे, एक बाप की बंदगी करने वाले, सब है भगवान के बंदे, बंदगी करने वाले, भक्ति करने वाले। बाप कहते हैं उन बंदगी करने वाले भक्तों को बंदगी से छुड़ाना है, भक्ति मार्ग में भी सभी पुकारते हैं, मालिक तेरे बंदे हम, बंदे सब भिखारी हैं, पुकारते हैं बाप को, मालिक को, क्या करके हम पतितों को पावन बनाओ, हम पतित हैं, बंदगी करने वाले हैं, नमन करने वाले हैं, पूजा करने वाले हैं, हम पतित हैं, हम पतितों को आकर के पावन बनाओ। जरूर भक्ति में दुख है, अगर सुख होता तो बुलाते क्यों? इसलिए सभी पुकारते हैं कि आ करके हमको लिबरेट करो। हम फंसे हुए हैं, हमें अपने धाम में ले जाओ। बाप ही घर में ले जाएंगे, घर जाने के लिए इतनी ही भक्ति चलती है। परंतु जन्म जन्मांतर से भक्ति करते चले आए, बंदगी करते चले आए, लिबरेट तो कोई हुए नहीं। बाप जब आए आकर के लिबरेट करे तब जा वापस जावे। ऐसे नहीं कि सब में भगवान आकर के बोलते हैं, कि मैं तुमको घर वापस ले जाऊंगा, देह के बंधन से छुड़ा करके, देह के संबंधियों मित्रों से छुड़ा करके, देह के पदार्थों की कसर से छुड़ा करके तुमको घर ले जाऊंगा। सब में तो भगवान नहीं है,
भगवान तो एक ही है, जो कभी देह के बंधन में नहीं आता। देह के बंधन में न बंधने के कारण देह के संबंधियों के बंधन में भी नहीं बंधता, और देह के पदार्थों में भी नहीं बंधता। परंतु उनका आना संगम पर ही होता है। और युगों में तो आते नहीं है। तब ही आते हैं जब कलयुग का अंत और सतयुग की आदि होनी होती है। अभी तुम बच्चे तो ऐसी बातें नहीं मानते हो कि भगवान सब में व्यापक है। आगे तो मानते थे, अभी तुम भक्ति नहीं करते हो। फिर भक्तों की लाइन कहेगी ये तो भक्ति नहीं करते हैं, नास्तिक बन गए। बोलो, हम भी पहले पूजा करते थे, अभी तो बाप आया हुआ है, हमको पूज्य देवता बनाने के लिए पहले हम भी सर्वव्यापी मानते थे। परंतु अभी तो हम समझ गए हैं कि सब पुजारी हैं, सब भक्त हैं, सब एक भगवान के बंदे हैं और सब एक दूसरे को झुकने वाले हैं। अभी हमारी बुद्धि में आया है कि एक बाप जो एक ही मुकर्रर रथ में आता है, हमको पूज्य देवता बनाने के लिए। सिखों को भी तुम समझाओ, वो भी गायन करते हैं मनुष्य से देवता की करतन लागी बार। तुम भी कहते हो ब्रह्मा को विष्णु बनने में कितना टाइम लगता है? एक सेकंड। कोई बार नहीं लगती, एक सेकंड में दाढ़ी मूछ वाला मनुष्य ब्रह्मा क्या बन जाता है? देवता बन जाता है। उन देवताओं की महिमा है ना। ब्रह्मा की तो महिमा नहीं है, ये महिमा मनुष्य की नहीं हो सकती जो देवताओं की है। सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम, देवताएं रहते ही हैं सतयुग में। कलयुग में कलह क्लेश करने वाले असुर रहते हैं, उन कलयुगी असुरों को
बाप ब्रह्मा के तन में आकर के ब्राह्मण बनाते हैं, शूद्र से ब्राह्मण कहो, असुर से मनुष्य कहो, और मनुष्यों में ही उच्च कोटि का ब्राह्मण कहो, अभी भी है कलयुग। तो बाप भी संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने की शिक्षा देते हैं। और युगों में उत्तम युग है भी पुरुषोत्तम संगम युग। सतयुग को पुरुषोत्तम क्यों नहीं कहेंगे हैं? क्योंकि वहां कोई जानता ही नहीं कि नंबरवार उत्तम ते उत्तम कौन कौन है देवताएं। त्रेता तो दो कला कम हो जाता है। द्वापर युग में द्वैतवाद शुरू हो जाता है, उसको सत्ययुग थोड़े ही कहेंगे। सत्य एक होता है या सत्ययुग में द्वैत होता है, एक धर्म एक राजा एक कुल एक भाषा, हर बात में एकता ही एकता होती है। तो बाप कलयुग के अंत में पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर तुम बच्चों को नंबरवार पुरुषों में उत्तम देवी देवता बनाते हैं। अभी तुम शिक्षा लेते हो कि देवताएं सबसे उत्तम है, उत्तम है तब तो इतने पूजे जाते हैं। भक्ति मार्ग में तो किसी को मालूम नहीं है कि न देवताओं की इतनी पूजा क्यों होती है। मूर्तियां तो नेताओं की भी बनती हैं, महात्माओं की भी बनती हैं, परंतु देवताएं इतने क्यों पूजे जाते हैं? जरूर भगवान ही आकर के मनुष्य को देवता बनाते हैं। भगवान ऊंचे ऊंचे है तो ऊंचे ऊंचे पूजने योग्य देवता बनाकर जाते हैं। जिसकी हम पूजा करते हैं वो जरूर कब हुए थे, चौराहे पर तिराहों पर नेताओं की महात्माओं की मूर्तियां बनाकर रखते हैं, इसलिए रखते हैं। जरूर उन्होंने कुछ महिमा योगी काम किया है तो मूर्तियां बनाते हैं, कुछ करके गए हैं तो मूर्तियां बनाते हैं। जरूर कब थे वो मूर्तियां साबित करती हैं कि अब नहीं है। तो वो महात्माएं वो नेताएं और उनसे भी ऊंचे ऊंचे महिमाधारी पूज्य बनने वाले देवताएं अब कहां गए। इन सब में मुख्य है लक्ष्मी नारायण। मुख्य क्यों है? जितनी भी मूर्तियां बनाई जाती हैं, जिनकी महिमा करते हैं अथवा पूजन करते हैं, उन सब में ऊंचे ऊंचे लक्ष्मी नारायण को क्यों रखा गया है?
हाँ, क्योंकि सब मूर्तियां जब चैतन्य थी तो सब के ऊपर कुछ न कुछ कलंक लगे, अच्छा काम भी किया और साथ में कुछ न कुछ बुरा काम भी किया जिससे उनके ऊपर कलंक लगे। हिस्ट्री बताती है, शास्त्र बताते हैं, तो वो मुख्य नहीं है, मुख्य लक्ष्मी नारायण है, जिनकी हिस्ट्री में अथवा शास्त्रों में कहीं भी कोई ग्लानी नहीं है। समझते हैं ये लक्ष्मी नारायण पास्ट हो गए हैं और इनकी राजधानी भी पास्ट हो गई, अभी तुम बच्चे तो गुप्त हो, दुनिया में कोई नहीं जानते कि हम बच्चे विश्व के मालिक बनने वाले हैं। यादगार में कहते हैं सब, कोई मरता है तो क्या कहते हैं, स्वर्ग पधारा, परंतु भक्ति मार्ग में सिर्फ कहना कहना होता है, प्रैक्टिकल में होता तो नहीं है। इस दुनिया में स्वर्ग है ही कहां, जो स्वर्ग पहाधारा ये साबित हो जाए। वास्तव में जब भगवान आकर के नर को नारायण बनाते हैं उस समय का ये गायन चलता चला आ रहा है भक्ति मार्ग में, कि सिर्फ लक्ष्मी नारायण की ही बात नहीं है कि वो जीते जी अपने देह अभिमान को मारते हैं तो विश्व के मालिक बन जाते हैं, और उनके पीछे जो भी उनको फॉलो करने वाले हैं, जीते जी मरते हैं कहे से, देह अभिमान से, वो सब विश्व के मालिक बनते हैं। यथा राजा तथा प्रजा सब विश्व के मालिक हैं, तुम तो जानते हो। अभी हम एक से ये पढ़ाई पढ़ करके विश्व के मालिक बनते हैं, तो पढ़ाई पर बहुत अटेंशन देना चाहिए। और बाप को याद करना है बहुत ही प्यार से, दिल में आना चाहिए बाबा तो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। तो क्यों नहीं हमारे गार्ड से याद करें और पढ़ाई पर अटेंशन देवे। फिर दैवी गुण भी चाहिए, ये शिव बाबा का भंडारा है, इस भंडारे का ये बाबा भी ट्रस्टी है, ट्रस्टी किसको कहा जाता है? है जो ट्रस्टी होता है वो सर्वे सर्वा होता है या साक्षी होकर के चलने वाला होता है? तो बच्चों को भी ट्रस्टी से पूछ करके चलना चाहिए, अगर इस शिव बाबा के भंडारे में
कोई की ऐसी बेकायदे चलन होगी। तो समझते हैं जंगली ऐसे काम करने वाले होते हैं। शिव बाबा की छुट्टी के बगैर अगर ऐसी मनमानी करते हैं जो भी ट्रस्टी हैं उनसे पूछते भी नहीं हैं, और अगर कोई पूछते हैं तो उनको मना करते हैं कि ऊपर क्यों पूछते हो। तो उनको जंगली कहेंगे। जंगल में कोई कायदे कानून चलता है क्या? है? जंगल में जानवर रहते हैं। जानवरों का राजा शेर होता है, उसको जंगली कहेंगे या क्या कहेंगे? है? जंगल के राजा को भी क्या कहेंगे? जंगली कहेंगे। इसकी राजरानी होती है क्या? नहीं। कोई कायदा कानून होता है क्या? बेकायदे चलन वाले ऐसे सब जंगली होते हैं। कोई कायदे कानून को नहीं मानते। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट और नमस्ते। ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर के बात का बतंगड़ बनाई देते हैं। घमासान कर देते हैं। अगला रात्रि क्लास March 7, 1968। बच्चे अभी तक अभूल बने नहीं हैं। बने हैं या बनना है? अभूल बनना है, और भूले कराने वाला कौन है? रावण है जो भूले कराने वाला है। रावण किसे कहा जाता है? रुलाने वाले को रावण कहा जाता है। जो दूसरों को रुलाने वाला होगा वो खुद भी कैसा होगा? रोने वाला। है? रोने वाला भी होगा। रोने वाला दूसरों को भी जरूर रुलाता है। इस दुनिया में सब भूले हुए हैं। नंबरवार सब रावण संप्रदाय है। अभी कोई लक्ष्मी नारायण की दुनिया थोड़े ही है। राम राज्य है या रावण राज्य है? रावण राज्य ही कहेंगे। रावण राज्य में सब रावण संप्रदाय ही कहेंगे। माना कोई कम भूले करते हैं और कोई ज्यादा भूले करते हैं। ज्यादा भूले करने वाले घमासान मचाए देते हैं। जानते ही नहीं है। कि हम किसकी भक्ति करते हैं।
ये भक्ति मार्ग है जैसे दुब्बण, दलदल, जैसे जलदल से जितना ही निकलना चाहते हैं उतना ही और डूबते जाते हैं। जहां कलराठी जमीन होती है और सागर का पानी भी होता है, उनको दुब्बण कहा जाता है। कलराठी जमीन माना उसमें कुछ पैदाइश नहीं होती, नमकीन मिट्टी होती है। मिट्टी भी नमकीन माना धरणी नमकीन, मिठास नहीं है। धरणी किसे कहा जाता है वेद की भाषा में? कन्याओं माताओं को धरणी कहा जाता है। और ऐसी धरणी अगर कलराठी हो और फिर उसमें पानी भी सागर का मिक्स होता रहे तो दुब्बण बन जाती है। भक्ति मार्ग जैसे कि दुब्बण है, दुब्बण देखने में शोभनीक बहुत लगती है, ऐसी बार की शोभनी के धरणी में और ही पस पड़ते हैं। दुब्बण बताया ना, दल दल शोभनी होते हैं। माने दूर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि चमका चमक रही है, लेकिन उसमें जाते हैं तो धसने लग पड़ते हैं। ऐसी दुब्बण में धसे हुओं को निकालने में तुम बच्चों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अभी तुम बच्चों को मिला है सो जरा, रोशनी मिल गई है ना। ऋषि मुनि आदि भी कहते थे नेति नेति, हम आदि मध्यंत को नहीं जानते। अभी तुमको तो बाप मिल गया है, बाप को रचयिता कहा जाता है। तुमको रचयिता बाप और रचना के आदि मध्यंत की रोशनी मिल गई है, तो तुम सभी को बाप का और रचना के आदि मध्यंत का परिचय देते हो। कि हमारा बाप है ऊंचते ऊंच, और वो ऊंचते ऊंच बाप इस सृष्टि पर आकर के ऊंचते ऊंच धरणी तैयार करता है। उस धरणी का नाम है भारत माता। रत माने बिजी और भा माने रोशनी, काहे में बिजी रोशनी करने, रोशनी कराने में बिजी रहने वाली, खुद भी ज्ञान की रोशनी में रहती है और जो भी संसर्ग संपर्क में आने वाले हैं सबको रोशनी में ले जाती है। उस
तो माता को रोशनी मिलती कहाँ से है? भारत माता है तो विधवा तो नहीं होगी। गायन भारत माता का है, फिर भारत माता है तो साबित होता है भारत माता के साथ पिता भी है। कहाँ से रोशनी मिलती है? भारत माता को पिता से रोशनी मिलती है। कहते हैं लक्ष्मी धन देती है, अब लक्ष्मी को धन कहाँ से मिलता है? नारायण से ही कहेंगे, इसलिए नारायण का नाम क्या रखा है? नारायण। कहाँ है घर? ज्ञान की रोशनी में ही उसका घर है। तुम बच्चों का घर कहाँ है? है? अरे कहाँ घर है? भारत में घर है? है? अरे तुम बच्चे कौन हो? आत्मा। आत्माओं का घर कहाँ है? परमधाम। परमधाम में अंधेरा है या रोशनी ही रोशनी है? रोशनी ही रोशनी है। तो बाप जिस तन में आता है उसका नाम रख दिया है नारायण, वो हमारा बाप भी है। इसलिए कहते हैं बाप को याद करो, फिर कहते हैं घर को याद करो, तो दोनों अलग अलग है या एक ही है? भा माने रोशनी। तो सोजरा करने वाला बाप तुमको मिला है, तुम सभी को बाप का रचना के आदि मध्यंत का परिचय देते हो और अभी तुम अपने लिए राजधानी स्थापन करते हो। परिचय तो सबको देते हो क्योंकि सारी दुनिया उस बाप को मानती है, लेकिन राजधानी तुम अपने लिए स्थापन करते हो और तुम सभी एक ही परिवार के हो। जो परिवार होता है उसका मुखिया एक होता है या दो चार होते हैं? एक ही मुखिया होता है। बाप आकर के पढ़ाते हैं और राजयोग सिखलाते हैं, राजयोग सीखने वाली कृष्ण की आत्मा भी यहाँ है, वो राजयोग सिखाने वाली है या सीखने वाली है? सिखाने वाली है, सीखने वाली है। कृष्ण राजयोग सिखाने वाला गीता का भगवान है? कृष्ण थोड़े ही गीता का भगवान है, कृष्ण की आत्मा तो यहाँ है लेकिन राजयोग सीखने वाली है सिखाने वाली नहीं है। तुम भी कृष्ण की तरह एक बाप के परिवार के हो। कृष्ण कौन से युग में होता है? सत्ययुग में होता है। सत्ययुग में तुम भी होंगे या नहीं होंगे? हम भी होंगे, कृष्ण भी होगा, परंतु परिवार एक ही होगा या अलग अलग होंगे? एक ही परिवार होगा और परिवार का मुखिया भी
एक ही होगा। उस मुखिया का नाम क्या है? नारायण। तो तुम सभी उनके परिवार के हो। परंतु काला और गोरा कृष्ण के लिए कहते हैं। क्या कृष्ण काला श्याम, और श्याम के साथ कौन सा शब्द लगाते हैं? सुंदर। कृष्ण काला भी और गोरा भी, श्याम सुंदर कहते हैं ना। तो कृष्ण के बाप को क्या कहेंगे? सुंदर। काला कहेंगे कि गोरा कहेंगे? गोरा कहेंगे। सत्युग का जो कृष्ण है वो गोरा होता है या काला होता है? वो तो गोरा ही होगा, उसका गायन थोड़ा ही है शास्त्रों में। शास्त्रों में जो श्याम सुंदर के रूप में गायन है वो तो संगमयुगी कृष्ण का गायन है। जो संगमयुगी कृष्ण की आत्मा अभी उस नारायण में आवेश करके पढ़ाई पड़ती है, इसलिए चंद्रभाल कहा जाता है, चंद्रशेखर कहा जाता है। किसको? संगमयुगी नारायण कहो, शंकर कहो, इसलिए बोला है नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण, नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर। उसी का टाइटल है श्याम सुंदर। एक ही जन्म में श्याम सुंदर या पहले जन्म में श्याम और फिर अगला जन्म लेकर के सुंदर? एक का ही नाम है श्याम सुंदर। ऐसे नहीं कि दादा लेखराज के रूप में श्याम है और सत्युग में जन्म लेगा तो सुंदर बनेगा, और दो जन्मों का नाम इकट्ठा करके उसको श्याम सुंदर कहा जाए। नहीं, एक ही जन्म में पहले श्याम और बाद में सुंदर। और किसी भी धर्म में ऐसा श्याम और ऐसा सुंदर पार्ट बजाने वाला हो ही नहीं सकता। न इब्राहिम, न बुद्ध, न क्राइस्ट, न गुरु नानक, न इतने श्याम बनते हैं और न इतने सुंदर बनते हैं। इतने सुंदर भी नहीं बनते। जो सारी दुनिया में उनकी कोई ग्लानी करने वाला पैदा न हो, और इतने काले भी नहीं बनते। कितने काले? इतने काले के नाम ही क्या पड़ जाता है? कलंकीधर। भगवान का एक नाम क्या पड़ता है? कलंकीधर, कलंकों को धारण करने वाला। नहीं तो कोई को कलंक लगाओ तो अपोजिशन करने लग पड़ेगा, है? अपोजिशन करेगा या नहीं करेगा? करेगा। और वो सुनते हुए न सुनना और देखते हुए न देखना। अभी तुम सभी उनके परिवार के हो।
लक्ष्मी नारायण को भी गोरा और सांवरा दिखाते हैं ना। जो मंदिर बनाए हुए हैं लक्ष्मी नारायण के, बड़े बड़े भव्य मंदिर बनाते हैं, कहीं लक्ष्मी नारायण को संगमरमर का गोरा गोरा दिखाते हैं और कहीं एकदम काला भूत बनाया हुआ है। सांवरा सभी को सांवरा बनाते हैं और गोरा बनते हैं तो सभी को गोरा बनाते हैं। शिव बाबा का भी काला लिंग बनाते हैं है? अकेले लक्ष्मी नारायण की ये बात नहीं है, शिव बाबा का भी भक्ति मार्ग में काला लिंग बनाते हैं। लेकिन कौन से युग में? कलयुग में काला लिंग। और द्वापर के आदि में ताम्रलिंग, लाल रंग का लिंग दिखाते हैं भक्ति मार्ग में पूजा करने के लिए। कोई स्वर्ण लिंग बनाते हैं, कोई रजत लिंग बनाते हैं, कोई ताम्र लिंग बनाते हैं। ऐसा अंतर क्यों कर देते हैं है? कहां की यादगार है? जरूर संगम युग में वो लिंग के रूप में जो पार्ट बजाता है, जिसको हाथ पांव नहीं दिखाए जाते, अर्थात निराकारी पार्ट बजाता है। ऐसे नहीं कि इंद्रियां होती नहीं है, परंतु इंद्रियां होते हुए भी, आंख होते हुए भी जैसे कि नहीं देखता, कान होते हुए भी जैसे कि नहीं सुनता, ऐसा निराकारी पार्ट बजाने वाला लिंग संगम युग में चार अवस्थाओं में पार्ट बजाता है। वो सुप्रीम सोल शिव की यादगार है या किसी और की यादगार है? शिव की यादगार है। शिव काला और गोरा बनता है। हाँ, लिंग में जो ज्योति बिंदु प्रवेश करता है वो तो सदैव हीरा है, सफेद है। इसलिए द्वापर के आदि में सोमनाथ मंदिर में जो लिंग जड़ा हुआ था उसमें हीरे का रंग कैसा था? सफेद। सफेद लिंग भले ही लाल था लेकिन उसमें जो ज्योति बिंदु है वो समय भी श्वेत रंग का था। माना शिव कभी काला या गोरा नहीं बनता, वो तो सदा शिव है। क्या सदा शिव कहा जाता है या सदा शंकर कहा जाता है? सदा शिव कहेंगे। शिव बिंदी का नाम है या शिव लिंग का नाम है? मेरी बिंदी का ही नाम है सभी है। वो नाम कभी बदलता नहीं है। जब आप प्रवेश करते हैं दादा लेख राज्य में प्रवेश करते हैं तो नाम क्या हो जाता? ब्रह्म। और राजयोग की प्रैक्टिस करके अपनी इंद्रियों को जो निराकारी स्टेज में थमाए लेता है उसका नाम क्या पड़ता है? लिंग। उसका रूप क्या दिखाते हैं भक्ति मार्ग में? लिंग दिखाते हैं। तो वो लिंग चार अवस्थाओं से पसार होता है। उसकी यादगार में स्वर्ण लिंग, रजत लिंग, ताम्र लिंग, लौह लिंग बनाते हैं, पत्थर का बनाते हैं। इसे क्या साबित हुआ?
कि भोगी में अभोक्ता प्रवेश करता है। एक में ही दो आत्मे हैं, एक भोक्ता और दूसरा अभोक्ता। श्रीनाथ का चित्र, काली का चित्र अर्थात मूर्ति कितना काला दिखाते हैं। पत्थर तो काला ही होता है, काली की मूर्ति पर पानी भी चढ़ता है तो तेल भी चढ़ता है। पानी चढ़ेगा और उस मूर्ति पर तेल भी चढ़ेगा तो क्या ठहर जाएगा और क्या उड़ जाएगा? रपक जाएगा। तेल तो चिपक जाता है और पानी, पानी रपक जाता है। कहाँ की यादगार है? संगम युग में किसके पाठ की यादगार है? महाकाली का जो पाठ है, महाकाली जब महाकाली के रूप में पाठ बजाती है काला पाठ, तो उसको कितना भी मुरली का ज्ञान सुनाओ, मुरली की बातें बताओ, वो सारा ज्ञान रपक जाता है और तेल सारा ठहर जाता है। काली के मंदिर में तेल चढ़ाते हैं या घृत चढ़ाते हैं? तेल ही चढ़ाते हैं, घृत नहीं चढ़ाते हैं। घृत कहते हैं बाप की याद का शुद्ध घृत। तेल को शुद्ध नहीं कहेंगे तो जरूर ऐसा काला पत्थर होगा। पत्थर किस बात की यादगार? कहते हैं अहिल्या पत्थर बन गई। कोई आदमी पत्थर का बन जाता है क्या? पत्थर बुद्धि बन गए। जैसे कोई पत्थर बुद्धि होता है तो कितना भी ज्ञान सुनाते रहो परंतु बुद्धि में बैठता नहीं। अभी बच्चों ने समझा है ज्ञान क्या है और भक्ति क्या है। क्या है? ज्ञान समझ है। ज्ञान माने जानकारी। काहे की जानकारी? सत्य की भी जानकारी और असत्य की भी जानकारी। सत्य है एक और झूठ है अनेक प्रकार का। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते पढ़ाते भी रहो और याद भी करते रहो। 7 मार्च 1968 की वाणी का दूसरा पेज। दैवी गुण भी धारण करो, आसुरी गुण धारण न करो। ये बातें बाप बैठ समझाते हैं, शास्त्रों में ये बातें नहीं है। और बाप ही आकर के सभी शास्त्रों का सार सुनाते हैं। एक शास्त्र का सार नहीं सुनाते,
सभी शास्त्रों में क्या क्या सार है वो आकर के बाप बताते। अच्छा,